हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूं ब्लॉग। गाइस, वैसे टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं जा रही हूं कोलकाता टू मुंबई। सो सडनली प्लान हो गया जाने का, मतलब सडनली का टिकट हो गया तत्काल में, तो इसलिए जा रही हूं। 7:55 पे ट्रेन है और 7 PM अभी हो गया, 7 बज चुका है। 7:30 बजे के बाद ट्रेन है, 8 बजे के अराउंड। सो यहीं शालीमार से ही है, शालीमार मेरे घर से जस्ट बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है। यहीं बोल रही हूँ मतलब इधर ही साइड में इसके लिए। सो चलो अब मैं निकलती हूँ। एंड बहुत ही सिंपल सा कैजुअल सा मैंने ड्रेस पहना है ताकि कंफर्टेबल हो, एकदम ईजली हो, शेप जर्नी हो। और मैं अकेले जा रही हूँ, मेरा सोलो ट्रिप है, ट्रिप नहीं है, सोलो जा रही हूँ, सोलो जर्नी है। सो चलो अब आपको यहाँ का ब्लॉग नहीं दिखने के लिए मिलेगा, अब आपको रास्ते का एंड मुंबई का ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। सो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं। जा रही हो आज? मैं जा रही हूँ। रो के दिखाओ मम्मी, तुम रो के दिखाओ, व्यूज आएगा। कैमरा अंधेरा बहुत बढ़ते। अच्छा, रुको फ्लैश चालू करते। नहीं नहीं, अब देखो, अब आँख बंद जा रहे हैं। मम्मी अब रोते हैं, रोना स्टार्ट करने वाली है। पापा भी रोएंगे। अरे हमारा रोने, पापा का दाढ़ी देखो, पापा का दाढ़ी बचा हुआ वो तो। मामा पैसा दिए, छत से तीन तल्ला सीख रहा है, देगा इसको तुरंत मालूम भी चल गया। मामा की इशारा किया ना, हमारे मनी को हमारा इशारा किया है। दिखा दिए ट्रेन इधर उन्हें चालू रखा थी। ठीक है, कहाँ कौन है खड़ा हो? अच्छा, एक डिब्बा आगे तो वो हर जगह खड़ा रहा एकदम एकदम प्लेटफॉर्म के एंड पे। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो कोलकाता टू मुंबई 30 घंटे से ज़्यादा लगते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेन, तो 30, 32, 36 ऐसे घंटे लग जाते हैं, मतलब 30, 32, 36 आवर्स आराम से लग जाते हैं। तो मुंबई टू कोलकाता जाओ चाहे कोलकाता टू मुंबई। तो मैं अकेले थी तो इसके लिए मैंने उतना ज़्यादा वीडियो नहीं लिया, 2 रात का सफ़र था एंड जैसे भी करके अकेले ट्रेन में काटना था। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा, मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं लिया है। तो मुझे मिला माजा फ्रूटी, आप बोल सकते हो माजा फ्रूटी। तो मेरे पास था सिंगदाना और ये रोस्टेड सिंगदाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर रात हो गया, सो गए, फिर सुबह हो गई, आप देख सकते हो मतलब कि अलग अलग मैंने क्लिप एक साथ ऐड कर दिया है। मतलब कब टाइम निकल गया पता तो मुझे बहुत चला, बट आप लोग को नहीं चलेगा। फिर स्टेशन एकदम आने वाला था इसलिए मैं गेट के पास आ गई थी, तो मैंने वहाँ से भी सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप कि आप सबको भी अच्छा लगा हो। हे गाइस, वीडियो में तो आप तुरंत देख रहे हो, मतलब मैं अभी कोलकाता थी, अभी मुंबई आ गई हूँ। सो अभी मैंने हेयर वॉश किया इसलिए मेरा हेयर तो इग्नोर करिएगा, बट मेरा ट्रेन 5 घंटा लेट था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। एंड घर आने के बाद घर की साफ़ सफाई, और आज है संडे, तो आज तीज के बाद एक संडे पड़ता है, इसको हम लोग बड़ा आतवार बोलते हैं, तो उसका व्रत है आज मेरा। एंड बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ और मैं पूरे 2 दिन बाद आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि रास्ते में अकेले थी तो इसके लिए मैं वीडियो वगैरह उतना बना नहीं पाई, पर थोड़ा बहुत क्लिप लिया बाहर बाहर का, बाकी मैंने अपना उतना नहीं लिया है। तो वैसे ब्लॉग ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा,
लेकिन मैं मुझे बस अपडेट देना था कि मैं मुंबई से कोलकाता आ चुकी हूँ, सॉरी कोलकाता से मुंबई आ चुकी हूँ। सो अभी शाम का टाइम हो गया है, 3:30 बज चुका है। मैं अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश हुई हूँ एंड अभी मैं जाऊँगी सेवई एंड खीर, सेवई एंड पूरी बनाने। आप देख सकते हो मैं इतनी थक गई हूँ ना कि मुझे बोलने में भी नहीं हो रहा है। तो अभी सेवई और पूरी बनाऊँगी, फिर मैं वो खाऊँगी और फिर मैं बाहर जाऊँगी दर्शन करने के लिए गणपति का। तो मैं वो भी आप लोग साथ शेयर करूँगी। सो जिस दिन आई थी उस दिन मेरा फास्ट था, तो पहले मैंने सेवई पूरी खाया, फास्ट अपना खोला। फिर उसके बाद मैं चली गई, मेरे एरिया में जितना भी लोग रखे थे गणपति को, सब लोगों ने मुझे बुलाया। मेरे आते ही सब लोगों ने मुझे बोला कि कहाँ थे तुम, इतना दिन हो गया, तो कम से कम गणपति का दर्शन करने आ जाओ, आरती में आ जाओ, विसर्जन भी होने वाला था किसी किसी का, तो विसर्जन में ही आ जाओ। तो मैं अपने एरिया में जितना था मैंने सब, अलग अलग दिन मैं गई, लेकिन मैं आप लोग के साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी शेयर कर लो कि मैं जहाँ जहाँ गई आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आई होप कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग भी इंजॉय कर पाओगे। मैं गई थी दर्शन करने के लिए, सब जगह का प्रसाद आप देख सकते हो, मुझे सब जगह से प्रसाद मिला एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दर्शन करके। गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे। सो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।